आपकी कली, आपकी कली। मुझे मिलवा लाएं कनीज से। ना भाई ना, अच्छा नहीं लगता। हमारे खानदान में जब बेटी दे दी ना, तो फिर उसके बाद मेके वाले हमें नहीं खामखा पीछे भागते रहते। अबा मुझे झूठे बहाने बना के टालने की कोशिश मत करो। साफ क्यों नहीं कहते कि जब बेटी को अपने से ऊंचे खानदान में ब्याह दिया जाता है ना, तो गरीब मैके वालों की इज्जत इसी में होती है कि वो उसके पीछे ना जाए। मगर अब्बा मैं तो जाऊंगी, क्या करेंगे ज्यादा से ज्यादा, मेरी बेइज्जती कर देंगे। जैसे आपको भिखारी समझ के खैरात दे दी, अब्बा मैं करा लूंगी बेइज्जती। अगर आप अपनी बेटी की खातिर तौहीन बर्दाश्त कर सकते हैं ना, तो मैं भी सह लूंगी जिल्लत अपनी बहन के लिए। अब्बा मेरी आंखें तरस गई हैं उसको देखने के लिए। देखो, तूने पहले भी मेरी बात नहीं मानी थी, कितनी जिल्लत उठानी पड़ी मुझे इस उम्र में थाने कचहरियों के चक्कर लगाने पड़ गए। अब अगर तूने कोई ऐसी उल्टी सीधी हरकत की ना, तो फिर देखी तू। अब्बा आपसे पूछे बगैर जाना होता तो मैं आपसे इजाजत ही क्यों लेती, मैं तो आपके साथ ही जाऊंगी। देख भाई, मुझ में अब हौसला नहीं है। मतलब ये बात भी नहीं कि मैं डर गया हूँ एक दिन की जिल्लत सह के। मैं बेटी का बाप हूँ, इससे ज्यादा जलील हो सकता हूँ, सह सकता हूँ, लेकिन डर मुझे इस बात का है कि अगर कनीज ने बाप को ससुराल के हाथों जलील होते हुए देख लिया, क्या गुजरेगी उस पर, बहुत दुखी हो जाए। मैं उसकी खुशी की खातिर यही ठीक है कि भाई हम उससे दूर रहें, बस। अब्बा इतनी दूर भी नहीं रहना चाहिए कि हमें पता ही ना चले कि वो खुश है या उदास है। अब्बा आपने कहा था ना कि साहब को इतराज नहीं है कि अगर वो हमें यहाँ आके मिल ले। अब्बा उसे कुछ दिनों के लिए यही बुला लो। ले तो आऊं, पर डर लगता मुझे कि एक बार यहां आके फिर पता नहीं दोबारा वहां जा सकेगी या नहीं। ये क्या बात हुई, अब हम सारी उम्र उसको देखने के लिए तरसते रहेंगे। अब मुझे थोड़ी देर के लिए तो ले जाओ उससे मिलवाने के लिए, हमने कौन सा हमेशा रहना है वहां पे। अब्बा चंद लम्हों के लिए मैं अपनी बहन को देख तो लूं, मुझे इतना इत्मीनान तो हो जाए कि वो ठीक है। आ, 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 आ,
हर इतवार की तरह मैंने आज भी आलू के पराठे बनवाए। तुम्हारे जाने के बाद मैंने ये रिवायत जिंदा तो रखी है, लेकिन वो जायका कैसे जिंदा रखूं जो जो तुम्हारे हाथों में था। इन पराठों में वो बात नहीं है शिरीन, तुम्हारे जाने के बाद हर चीज मुझे रूखी और पतवसा लगती है, हर चीज। सुग्रा जी सर, आज नाश्ते में कोई और नहीं? वो अम्मा बेगम की तबीयत ठीक नहीं है तो उन्होंने नाश्ता कमरे में ही मंगवा लिया था। बात सुनो। जी साहब। वो बस जूस ले जाओ, मैं बस आज चाय पी लूंगा। जी अच्छा। और उस लड़की की खबर ली? बुखार उतरा उसका? जी कनीज बीबी, पता नहीं जी, अभी जाकर देखती हूँ। अभी जाकर देखती हूँ? कमाल है, अभी तक तुमने उसकी खबर ही नहीं ली। सुबह के 10 बज गए, इसका मतलब है अभी तक वो भूखी है। जाओ फौरन जाओ, उसे कुछ खाने को दो और दवाई भी दो, और देखो बाकायदगी से दवाई देना, समझी? जी अच्छा। नॉनसेंस। कनीज बीबी, ये दवा खा लीजिए वरना हम सबकी शामत आ जाएगी। क्या मतलब? सुगरा की कम बेइज्जती हुई थी इस बात पर के बाहर आप ठंडे फर्श पे सो गई थी। साहब ने सख्ती से कहा है कि आपके खाने पीने खास करके दवा का खास ख्याल रखा जाए। साहब को बड़ी फिक्र है ना आपकी। ये लीजिए। आज शायद पहली बार आपने बीमार होने का बहाना बनाकर नाश्ता अपने कमरे में मंगाया। अम्मा जी, मैं जानता हूं ये आपकी नाराजगी है, बीमारी नहीं। शीरी कभी तुमसे नाराज हुई थी? नहीं। तो मैं कैसे नाराज हो सकती हूं? तुमने कभी शीरी को नाराज किया? तो मुझे कैसे नाराज कर दिया? और अभी तो आप कह रही थी कि मैं आपको नाराज नहीं कर सकता। हाँ मैं नाराज नहीं हूं, लेकिन तुमने भी कोई कोशिश नहीं छोड़ी मुझे नाराज करने की। मैं जानती हूं कि दूसरी शादी करना कोई जुर्म नहीं है। मैं ये भी जानती हूं कि शीरी की जिंदगी में तुम सौकन नहीं लाए। मैं ये भी मानती हूँ कि दूसरी शादी करना तुम्हारा हक है, लेकिन लेकिन अगर मैं इस बात को अपने दिल दिमाग से तस्लीम नहीं कर सकती तो इसमें मेरा क्या कसूर है? सारा कसूर तुम्हारा है जिसने पिछले 12 साल में ना खुद को यह एहसास होने दिया कि शीरी अब इस दुनिया में नहीं रही, और ना मुझे ये यकीन करने दिया कि अब शीरी हम में नहीं है। आप अब भी उसी यकीन पर कायम रहे कि शीरी हमारे दरमियान है,
और उसके होते हुए किसी और की मजाल नहीं कि उसका साया मेरे दिल और दिमाग पर पड़े। अम्मा जी प्लीज समझने की कोशिश कीजिए, ये कागजी रिश्ता है और जिस तरह मोहर और दस्तखत इंसान को पाबंद करते हैं उसी तरह इस कागजी रिश्ते ने मुझे पाबंद कर दिया। अम्मा बेगम, वो नीचे कुछ मेहमान आए हैं। साहब ने सख्ती से ताकीद की है कि आपके खाने पीने खास करके दवा का खास ख्याल रखा जाए। साहब को बड़ी फिक्र है ना आपकी। पता नहीं क्या बात है, ना शामिर खुद आया है ना फोन उठा रहा है। लगता है मुझे खुद ही जाना पड़ेगा इसे डॉक्टर के पास लेके। ड्राइवर से कहो गाड़ी निकाले। अम्मा बेगम, आपकी तबीयत खुद बहुत खराब है, आप इस वक्त कहाँ जाएंगी? किसी को तो जाना होगा ना इसे लेके। ठहरो, मैं दोबारा ट्राई करती हूँ। फोन उठा रहा है ना मैसेज का जवाब दे रहा है। कम आपने सुबह बता तो दिया था ना कि पढ़निया बेबी की तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब है। तुम्हारे सामने तो नाश्ते की टेबल पे बताया था उसे मैंने। बुखार उतर जाएगा मेरे बच्चों का। अच्छा, मानो पट्टियाँ रख रही है अपनी बेबी के साथ। डैडी, आपको तो मेरी फिक्र तब भी नहीं थी जब स्टेप मॉम नहीं आई थी। अब आप मेरी फिक्र कैसे करेंगे? अब तो आपकी सारी तवज्जो उन्हीं पर होगी। तशरीफ रखें प्लीज। मैंने इसीलिए आज के दिन का इंतखाब किया था मिलने के लिए कि आज संडे है, शामिर भी घर पे होगा और इसी बहाने सबसे मिलने का मौका भी मिल जाएगा। पर आपने तकलीफ क्यों की मामू जान? हुक्म देते मैं ही हाजिर हो जाता। बोले, कोई खिदमत है मेरे लायक? हम यहाँ पर किसी काम से नहीं आए बल्कि मुबारकबाद देने आए हैं। आपने तो छुपकर शादी कर ली और हमें बुलाया तक नहीं, मगर ऐसे कैसे मुमकिन था कि हम आपको अपना समझकर मुबारकबाद देने ना आते? बस दरअसल हालात कुछ ऐसे थे कि आप खुशी का मौका है। आप तो यहीं तकल्लुफ में पड़ रही हैं, हम तो अपना फर्ज समझ कर मुबारकबाद देने आए। जैसे मुझे इतला मिली कि आप लोग मुबारकबाद देने आए तो मैंने सोचा कि मैं भी जाके खाला जान को मुबारकबाद दे दूं। वैसे पहले मैं सोच रही थी कि वलीमा भी जाके मुबारकबाद दे देती। हाँ पापा जान, आप वलीमा कब कर रही हैं अपने बेटे का? शादी जितनी भी इमरजेंसी में हुई हो या सादगी में, लेकिन वलीमा तो सुन्नत है ना, और इसे शामिर आफंदी के शायाना शान होना चाहिए। वो असल में मेरी तबीयत आजकल कुछ ठीक नहीं रहती तो मैंने सोचा कि ज़रा संभल जाऊँ तो उसके बारे में भी सोचेंगे। कैसी बात कर रही हैं खाला जान आप? इसे मामले में तो ताखिर होनी ही नहीं चाहिए। हम लोग तो अपने हैं लेकिन लोग तो दबी दबी बातें कर रहे हैं। वलीमे का फंक्शन तो बहुत शानदार होना चाहिए इन लोगों का मुंह बंद करने के लिए। क्या ख्याल है खाला जान? पर मैं इसे जरूरी नहीं समझता और ना ही मैं अपने किसी भी अमल के लिए लोगों के सामने जवाब दे हूं। हाँ, मैंने दूसरी शादी की है और ये मेरा हक बनता है। ये बात मैंने किसी से छुपाई तो नहीं, पर इसका ये मतलब नहीं है कि मैं ऐलान करता फिरूं या जश्न मनाऊं। अगर लोगों को बात करनी है तो शौक से करें, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। शामिर अफंदी, तुम्हें फर्क पड़ता हो या ना पड़ता हो, मेरी बहन पे जरूर पड़ेगा। मुझ पे? कैसे? आप तो आपा शायद भूल ही गई हैं कि ये आपका बेटा नहीं दामाद है, और आपके साथ साथ हमने भी कभी इसे अपनी भांजी शीरी का शोहर नहीं अपने खानदान का फर्द ही समझा है, और इसीलिए हम इसे बड़े खुले दिल से इसकी शादी की मुबारकबाद देने के लिए आए हैं। लेकिन सच तो ये है कि जब तक इसने दूसरी शादी नहीं की थी
लोग आप ही को इल्जाम देते थे कि अगर आप इसकी सगी माँ होती तो इसकी दूसरी शादी जरूर करवाती। अब जबकि ये शादी हो गई है तो आपके पास बड़ा अच्छा मौका है कि आप अपने ऊपर लगे हुए इस इल्जाम को धो सकें। आपको चाहिए कि इस बात पे आप अपनी खुशी का खुलकर इजहार करें और फख्र से लोगों के सामने अपनी बहू का तारुफ करवाएं, खुशियां मनाएं, ताकि लोग ये कहें कि वाकई आप शामिर की सास नहीं बल्कि माँ हैं। खाला जान ये ठीक कह रहे हैं, ऐसा ना हो कि लोग दबी दबी बातें शुरू कर दें कि आप शामिर की दूसरी शादी से नाखुश हैं और आपने अपनी दूसरी बहू को दिल से कबूल नहीं किया, आपके जर्फ में उंगलियां उठाएंगे। माफ कीजिए, मेरे होते हुए अम्मा जी पर कोई उंगली नहीं उठाएगा और ना ही इन पर कोई शक करेगा। और अगर इसका मतलब है कि आप लोग जो सजेस्ट कर रहे हैं, ये वलीमा, ये बाकी के फंक्शंस, अगर ये भी करना पड़े तो मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, सो बी इट। ये लीजिए, खाना खा लीजिए आप। लेकिन आज मेरी तबीयत ठीक है, मैं नीचे जाके खाना खा लेती हूँ। आपकी तबीयत ठीक हो या खराब हो, लेकिन अम्मा बेगम का हुक्म है कि खाना नाश्ता सब आपको कमरे में मिलना चाहिए, आप नीचे नहीं आएंगी। कनिज बीबी, जल्दी से आप उठ जाए, मैं आपको तैयार कर दूँ। अम्मा बेगम ने कहा है कि आप नीचे आ जाए, मेहमान आए हुए। रसिया, तुम पागल तो नहीं हो गई हो? अम्मा बेगम मेरी शामत ले आएंगी। अम्मा बेगम ने मुझे खुद कहा है। खुद कहा है? लेकिन अम्मा बेगम ने मुझे तो कुछ और ही कहा था। तुमसे कुछ भी कहा हो अम्मा बेगम ने, उन्होंने मुझे कहा है कि कनीज बीबी को जल्दी से तैयार करके भेजो, मेहमान नई दुल्हन को देखना चाहते हैं। आप जल्दी उठे, खाना वाना छोड़े और उठ जाए, मैं आपको तैयार कर दूं। आपके कपड़े कहा है? कपड़े इनके पास दो एक ही तो जोड़े हैं और वो इस काबिल नहीं है कि ये मेहमानों के सामने पहन के जा सके, और अगर इसी हुलिये में लेकर गई तो अम्मा बेगम और नाराज हो जाएंगी। अब क्या होगा, नीचे जाके अम्मा बेगम को अगर ये बात कहेंगे मेहमानों के सामने तो वो भी अच्छी बात नहीं है, और अगर कनीज बीबी को तैयार करके नहीं लेगा तब भी हमारी शामत आनी है। कुछ सोचे, जल्दी 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 सोचे। एक आइडिया आया, मैं आई। अरे 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 रसिया, ये क्या कर रही हो तुम, पागल तो नहीं हो गई हो? तुम्हें पता है ना इन चीजों को हाथ लगाने की इजाजत किसी को भी नहीं है। तो मैं अपने लिए थोड़ी निकाल रही हूँ, जो साहब मेरी जान निकाल देंगे, उनकी बेगम की चीजें उन्हीं के लिए निकाल रही हूँ। और फिर मुझे अम्मा बेगम ने सबके सामने बुला के हुक्म दिया है कि कनीज बीबी को तैयार करके यहाँ ले आओ, तो मैं उनका हुक्म मान रही हूँ। तो मरोगी साथ मुझे भी लेके मरोगी? मैं तो जाऊँ वरना सब कहेंगे कि तुम्हारे साथ शामिल थी मैं इस काम में। तौबा है। ओह, ये सही है। मैंने तो कभी साड़ी पहनी नहीं। ओहो कनीज बीबी, मैं आपकी मदद करूंगी और आपके अच्छे से बाल भी बनाऊंगी, वरना अभी अम्मा बेगम कहेंगी इतनी देर हो गई आप अभी तक तैयार ही नहीं हुई। चलिए मुझे दे, मैं आपको साड़ी पहनाऊंगी, बाल बनाऊंगी। आप जल्दी से बैठे। ऐसा जोड़ा बनाऊंगी, आप खुद कहेंगी, आप जो कहेंगी, जोड़ा बनाऊं या आपकी चोटी बनाऊं। मैं मेहमानों के सामने नहीं कहना चाह रही थी आपसे, लेकिन आप खुद ही चलकर देख लें कि क्या तमाशा हो रहा है।
बाबूजान बिस्मिल्लाह प्लीज। हाँ। अब बुला भी लाए नहीं दुल्हन को जिससे हम मिलने आए हैं। खाला जान देखने तो गई है लेकिन अभी तक वो भी वहीं पे रह गई। मेरा ख्याल है मैं देखकर आती हूँ, बहुत देर हो गई है। नहीं नहीं आप तकलीफ मत कीजिए, मैं जरा देखकर आता हूँ। एक्सक्यूज मी प्लीज, आप लोग मैं बस अभी आया। शामिर, क्या तुम वही देख रहे हो जो मैं देख रही हूं? क्या मेरी शीरिन की पसंदीदा साड़ी पहनने की इजाजत तुमने दी? ये साड़ी तुम्हें कहां से मिली? ये साड़ी तुम्हें किसने दी? लड़की मैं तुमसे कुछ पूछ रहा हूं, ये साड़ी तुम्हें किसने दी? क्योंकि इस घर के अंदर सब जानते हैं कि श्री की चीजों को मेरे अलावा और कोई नहीं छू सकता। किसकी जरूरत हुई? साड़ी तुमने खुद निकाली? वाह, अब इतनी हिम्मत हो गई है तुम्हारी कि सारे घर में दंदनाती फिरोगी और कहीं भी घुस के किसी की भी चीज लेके उस पे अपना हक जताओगी? अम्मा जी ये किसी की चीज नहीं है, श्री की साड़ी है, मेरी श्री की, समझी? आज के बाद अगर मैंने तुम्हें मेरे कमरे के इर्द गिर्द देखा तो श्री की चीजों को हाथ लगाना तो दूर की बात, अगर उसकी चीजों को देखते हुए भी पाया तो मैं तुम्हारे साथ वो सुलूक करूंगा कि तुम तसव्वुर भी नहीं कर सकती। सुना तुमने? अरे बेटा छोड़ो इसे, ये कमजात लोग होते ही ऐसे, हर चीज पे राल टपकती है इनकी। इसको तो मैं इसकी औकात समझा दूंगी बाद में। बेटा तुम अब जरा ठंडे हो जाओ, घर में मेहमान आए हुए हैं, घर की बात है, ये बाहर निकल गई तो अच्छा नहीं है। इतनी देर हो गई है, अब ये कपड़े बदलेगी ना तो और वक्त आया होगा, ऐसे ही ले चलते हैं इसे। चलो लड़की आओ मेहमानों से मिलो। आओ शर्मा मत। ये हमारे मामू जान। आओ बेटा बैठो मेरे पास। आओ Mm-hmm.
गलती की वजह से आपको कितनी बातें सुननी पड़ी। साहब जी भी आप पे इतना बिगड़े। सुग्रा बीबी बिल्कुल ठीक कह रही थी, लेकिन मैंने उसकी एक ना सुनी और जबरदस्ती बड़ी बेगम साहब के कपड़े आपको पहना दिए। इसमें आपका थोड़ी कोई कसूर है। आपने जो किया मेरे भले के लिए किया और साहब की इज्जत के लिए। इसमें आपका थोड़ी कोई फायदा था। आप तो यही चाहती थी ना कि अगर मैं मेहमानों के सामने उस हुलिये में चली जाती तो कहीं वो उन पे बातें ना बनाते। जो भी है गलती मेरी है, लेकिन आपने मेरा नाम बीच में नहीं आने दिया और सारा इल्जाम अपने सर ले लिया। आप कितनी प्यारी है कनीज बीवी, कितनी अच्छी। अल्लाह आपको इसका फल जरूर देगा, अल्लाह आपको सबर का फल देगा। मैं इस नागवार फर्ज को शाजर के आने से पहले ही अदा करना चाहता हूं, क्योंकि मैं नहीं चाहता कि जब वो आए उसका इस्तकबाल कुछ ऐसी चीज से हो जिसे उसके दिल को ठेस पहुंचे। आपकी कनी। आपकी कनी। अब तुम्हें समझ आई कि मैंने उसे सर्वेंट क्वार्टर में क्यों रखवाया था? इन लोगों का असल मकाम यही है। तुम उसे घर के अंदर ले आए, वो तुम्हारे कमरे तक पहुंचा और वहां तुम्हारी इजाजत के बगैर उसने शीरिन की चीजें इस्तेमाल की। आखिर ये करके क्या जताना चाहती थी? कि शीरिन की हर चीज पर उसका हक है? क्या वो इस घर की मालिकन है? अम्मा जी, आप ये बात अपनी जहन से निकाल दें। ऐसा कुछ नहीं है। इनफैक्ट मुझे लगता है कि आज के बाद वो ऐसी हरकत बिल्कुल नहीं करेगी। खैर ये बताएं कि वलीमे का क्या करना है? वो तो करना पड़ेगा, सब बहुत जोर दे रहे थे। ऐसी बात है जो टाली नहीं जा सकती। मैं तो सोच रही हूँ कि इसी वीकेंड एक छोटी सी तकरीब रख लेते हैं, या तुम चाहो तो 4-5 रोज इंतजार कर लेते हैं, शाजर भी आ जाएगा। नहीं, मैं इस नागवार फर्ज को शाजर के आने से पहले ही अदा करना चाहता हूं, क्योंकि मैं नहीं चाहता कि जब वो आए उसका इस्तकबाल कुछ ऐसी चीज से हो जिसे उसके दिल को ठेस पहुंचे। एक्सक्यूज मी। अब्बा, अब्बा खाना खा लो, अब्बा खाना खा लो। अब्बा अरे अब्बा का तो बहुत तेज बुखार है। मासी, मासी, साहब आप यहाँ क्या कर रहे हैं? आपके हाथ गंदे और कपड़े खराब हो रहे हैं। तुम लोग सबके सब निकम्मे हो। इतने दिनों से कह रहा हूँ एक ढंग के माली को भेजो, लेकिन अभी तक वो ऑर्गेनाइज नहीं हो पाया। सारे के सारे जो हैं नकारा हैं। उनसे बेहतर तो पौधों की देखभाल मैं कर सकता हूँ। अब यहाँ क्यों खड़े हो? खाद मंगवाई है मैंने, जरा भिजवाएं। जी साहब। गार्ड, गार्ड आके हाथ धुलवाना।
गार्ड, अरे भाई पाइप कहाँ है? और साथ में तौलिया भी लाना। तुम यहाँ क्या कर रही हो? और तुम गार्ड हो क्या? वो आपके हाथ। हाँ सफीना बोलो। तुम जो कहने आए हो कह क्यों नहीं देते? नहीं नहीं, मैं तो बस तुमसे मिलने आया हूँ सफीना। तुमने फोन पे मेंशन किया था ना तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं है, तो मैंने सोचा कि दफ्तर जाने से पहले क्यों ना तुमसे मिल लूं, खैरियत पूछने के लिए। शामिर, मैं तुम्हें बहुत अरसे से जानती हूँ, इतने केयरिंग तुम कभी भी नहीं थे। और मुझे फोन पे ही एहसास हो गया था कि तुम कुछ कहना चाहते हो, जो कहने के लिए तुम यहाँ तक आ गए। क्यों अपना कीमती वक्त जाया कर रहे हो? कह दो जो कहने आए। तो वाकई मुझे बहुत अच्छी तरह से जानती हो सफीना। एक्चुअली वो अम्मी जी ने बस तकल्लुफ के तौर पे एक छोटी सी तकरीब रखी है। तुम्हारे वलीमे की तकरीब है ना? शर्मा क्यों रहे? नहीं, दरअसल मैं बस ये चाह रहा था कि मेरा मतलब है, क्योंकि वो लड़की सिंपल सी है और मैं अम्मा जी को तकलीफ नहीं देना चाहता था, तो मैं सोच रहा था अगर तुम चाहती हो कि इंतजाम तुम ही देख लेती, क्योंकि वो मैं नहीं चाहता कि उस लड़की की वजह से लोग खामखा बातें बनाएं। तुम्हारे कहने का मतलब है कि मैं उसे साथ ले जाकर शॉपिंग करा दूं, यही कहना चाह रहे हो ना? हाँ, अगर ऐसा कर सकती हो तो बहुत ही अच्छा होगा, मगर अगर तुम्हारे पास वक्त है तो। सफीना, एक बहुत जरूरी मीटिंग है ऑफिस में, मुझे चलना चाहिए। ये कॉफी कभी और से। थैंक यू सफीना, आई न्यू आई कुड काउंट ऑन यू। कमाल जब्त को खुद भी आजमाऊंगी, अपने हाथ से उसकी दुल्हन सजाऊंगी। अगर उसकी चीजों को देखते हुए नहीं पाया
मैं तुम्हारे साथ मुड़ सलूक करूंगा, मुड़ सलूक करूंगा, तुम तस्वुर भी नहीं कर सकते। सुना तुमने? इतनी सी बात पे शामीर आपे से बाहर हो सकता है? अगर वो खुद अपनी आंखों से इस लड़की को अपने रूम में देखे, यानी अपनी शीरी की सल्तनत में मुदाखलत करते हुए, तब इसका क्या हाल होगा? आपकी कनीज़, आपकी